देखिए स्टूडेंट्स, तो ये जैसे कि हमें पता है कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है, राइट, या फिर कंस्ट्रक्ट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। और हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके थे उसी सीक्वेंस में। हमारे ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आइए जल्दी से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर है ओ, ठीक है, अल्फाबेटिकल नंबरिंग्स है। एल इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। बहुत ही सिंपल हो गया ये, नहीं बिल्कुल नहीं। यूनियन यूनियन बी रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, यानी कि ये भी लैंग्वेज आनी चाहिए, ये भी लैंग्वेज आनी चाहिए, इन दोनों का ही क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, यानी इस प्रकार की भी सभी स्ट्रिंग्स डेवलप होनी चाहिए, इस प्रकार की भी सभी स्ट्रिंग्स डेवलप होनी चाहिए। मुझे बताइए ये स्ट्रिंग्स कैसे डेवलप होंगी। सपोज मैंने बोल दिया आपको ए टेंस टू ए ए ए बी स्लैश ए बी, तो मुझे बताइए इस टाइप की सभी स्ट्रिंग्स डेवलप हो गई क्या, कैसे पता। देखिए अगर हमें अकेला ए बी चाहिए तो ये अकेला ए बी, एक से ज़्यादा ए बी चाहिए यानी कि ए बी बी, तो देखिए ये दो बार ले लेंगे हम, ठीक है, ये एक बार लेंगे, ये एक बार लेंगे, तो हो जाएगा दो बार। सिमिलरली बी रेस्ट पावर एन ए रेस्ट पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, अगर किसी को ये अचीव करना है तो वो कैसे करेगा भाई, वो करेगा बी बी ए बी ए। देखिए ये अचीव हो गया, पर बेटा अब ये भी अचीव होना चाहिए, ये भी अचीव होना चाहिए, दोनों का यूनियन है, तो मैं कर देता हूँ एस टेंस टू ए या फिर बी, या तो आप एस टेंस टू, अगर किसी को इस टाइप की स्ट्रिंग्स चाहिए तो एस टेंस टू ए पे जाएगा, ए इक्वल्स टू दिस, किसी को इस टाइप की स्ट्रिंग्स चाहिए तो वो एस टेंस टू बी से शुरू करेगा और फिर ये बी का लॉजिक हो जाएगा और ये इससे हमारा क्या हो जाएगा, पूरी के पूरी स्ट्रिंग्स हमारी कवर हो जाएंगी, सबकी सब स्ट्रिंग्स डिराइव हो जाएंगी बाय यूजिंग दिस ग्रामर। अरे आई क्या बात समझ में, अब समझना चाहिए। अब हमारी लास्ट क्लास भी जो थी वो इस टाइप की लैंग्वेजेस पे ही थी, यानी लास्ट क्लास में भी हमने यही क्वेश्चन देखा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट सी एफ जी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। चलिए ओ, ओ के बाद क्या है पी, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज बताइए, लैंग्वेज पे से हम ग्रामर लिख लेंगे, ठीक है। ये है ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एम सच दैट, अच्छा, ट्वाइस एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम इज लेस देन इक्वल्स टू थ्राइस एन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी चीज़ें लिख देता हूँ कि भाई क्या होना चाहिए हमारा, एम हमारा होना चाहिए 2n और 3n के बीच में, यानी कि सपोज ये ऐसा हो गया भाई, मैंने बोल दिया n इक्वल्स टू क्या है, जीरो है, n इक्वल्स टू क्या है, जीरो, तो जब n इक्वल्स टू जीरो रहेगा तो ये केस बनेगी जीरो इज लेस देन m इज लेस देन जीरो, यानी कि m भी कितना हो जाएगा भाई, जीरो। अगर अगर हमारा a भी जीरो, n भी जीरो, m भी जीरो है, तो बेटा ये स्ट्रिंग क्या बनेगी हमारी, इप्सिलॉन। अच्छा चलिए n इक्वल्स टू वन, n इक्वल्स टू वन के लिए क्या केस बनेगी, ये हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू m इज लेस देन इक्वल्स टू n की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि m की वैल्यू क्या हो जाएंगी, m की वैल्यू हो जाएंगी 2 3, यानी कि m की वैल्यू 2 3 हो जाएंगी, यानी n की वैल्यू जब 1 है तब m क्या हो जाएगा 2 और 3। तो बेटा व्हाट द स्ट्रिंग्स आर, n की वैल्यू 1 यानी कि एक a के पीछे क्या आ सकते हैं, 2 भी, या फिर एक a के पीछे क्या आ सकते हैं, ये 3 तीन भी। देखिए ये समझ में आई के बात, m की जब n इक्वल्स टू वन है, यानी जब a की पावर वन रहेगा तब b की पावर क्या रह सकता है, m, m यानी कि 2 3, या तो a डबल b या तो a ट्रिपल b, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और एक निकाल लेते हैं, n इक्वल्स टू 2 रहेगा जब, तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये 2 इंटू 3 6, यानी कि m क्या रहेगा इन दोनों के बीच में, यानी m की वैल्यू क्या रहेगी 4 5 6। अरे भाई ये m की वैल्यू 4 5 6 कब रहेंगी, जब n की वैल्यू 2 है, यानी कि जब 2 a आएंगे तो पीछे क्या आने चाहिए, 4 b, 2 a रहे तो 5 b भी आ सकते हैं, 2 a रहे तो 6 b भी आ सकते हैं, अलाउड है, एंड सो ऑन। n इक्वल्स टू 3 रहेगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 m, और ये रहेगा 3 इंटू 3 9, यानी क्या होने वाला है, m की वैल्यू क्या होने वाली है, 6 7 8 9। स्ट्रिंग्स कौन सी बनेंगी इसमें से, जब a की पावर 3 होंगी, a 3 रहेंगे, तब हमारे b कितने रह सकते हैं, 6 7 8 9, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटा इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना पड़ता है,
बेस केस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, बाकी सभी केसेस तो बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, और बेस केस यहाँ पे होती है n इक्वल्स टू वन वाली। कभी कभी कोई कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बेस केस n इक्वल टू जीरो वाली भी होती है, पर वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे तो ये n इक्वल टू जीरो वाली केस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन है, तो इसको बोलते हैं बेस केस, ठीक है। यानी कि ये केस हमने अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो बेटा बाकी सब केसेस क्या हो जाएंगी, अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। कैसे, देखिए मैं करके बताता हूँ। मैंने लिखा एस टेंस टू, ये केस क्या होना चाहिए, ये इम्प्लीमेंट करना है सिर्फ, एक ए के पीछे दो बी, ए एस बी बी ऑब्लिक एक ए के पीछे तीन बी, ऐसा करते गए एट लास्ट एस को कैसे रिप्लेस कर देना इप्सलॉन से। कैसे पता, क्योंकि बेटा ये भी तो आना चाहिए ना, एन टेंस टू एस टेंस टू इप्सलॉन भी तो आना चाहिए। अब देखिए, अब अगर किसी को ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है, करके बताता हूँ मैं कौन कौन सी। देखिए ये दोनों तो डायरेक्ट हो जाएंगी, इन दोनों में से मैं ये सभी स्ट्रिंग्स डिराइव करके बता देता हूँ आपको। दो ए के पीछे चार बी चाहिए, दो ए के पीछे क्या चाहिए, चार बी चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने ये प्रोडक्शन दो बार ले लिया, तो देखिए ये ए ए चार बी, अरे आई बात समझ में। अच्छा दो ए के पीछे क्या चाहिए, पाँच बी, तो बेटा एक बार ये प्रोडक्शन लीजिए, एक बार ये प्रोडक्शन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी बी, इसमें से क्या आ जाएगा ए ट्रिपल बी। देखिए ये भी अचीव हो गए दोनों भी। अच्छा अगर किसी ने बोला भाई मुझे दो ए के पीछे क्या चाहिए, छः बी, बेटा तू क्या कर दो बार ये प्रोडक्शन ले ले भाई, तो भी बात बन जाएंगी, ठीक है। किसी ने बोला मुझे तीन ए छः बी चाहिए, तो बेटा इसको तीन बार ले लीजिए, ठीक है। किसी ने बोला मुझे तीन ए के पीछे सात बी चाहिए, बेटा इसको दो बार ले लो, इसको एक बार ले लो, तो बेटा ये हो जाएंगे चार और तीन सात बी हो जाएंगे। किसी ने बोला मुझे ये चाहिए आठ बी, तो बेटा इसको एक बार लीजिए, इसको दो बार लीजिए। किसी ने बोला मुझे नौ बी चाहिए, बेटा इस ये प्रोडक्शन को तीन बार ले लीजिए, ये आ जाएगा। तो अरे आई क्या बात समझ में आने, एन इक्वल्स टू वन वाली केस, बेस केस अगर मैंने इम्प्लीमेंट कर दी तो बेटा बाकी सब क्या हो जाएंगी, अपने आप अचीव हो जाएंगी। अरे आ रही है बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा क्या है ये सिंपल है, जिस वे से मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी वे से आपको सीखना है। हमने ये प्रॉब्लम का एक सीक्वेंस भी सेट करके रखा हुआ है, इजी टू डिफिकल्ट, यानी कि पहले इजी इजी प्रॉब्लम्स लिए, फिर हम थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, तो अब आपको ये सब चीज़ें समझना शुरू हो जाएंगी। यानी कि मैंने सिर्फ ये बेस केस इंप्लीमेंट की, आप देखिए कि ये सभी रिमेनिंग केसेस तो सब उसमें से क्या हो रही है, खुद से ही डिराइव हो रही है, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था, आई होप कि हाँ वो यही क्वेश्चन है, इसके बाद वाला ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू। चलिए ले लेता हूँ मैं क्यू, एल इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है वहाँ पे, ए रेस टू पावर एम, बी रेस टू पावर एन, सच दैट एम इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन इज़ लेस देन इक्वल्स टू ट्वाइस एम। कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको सब मालूम है कि क्या क्या होना चाहिए। मैं फिर से पूछता हूँ आपसे, जब m इक्वल्स टू जीरो रहेगा तब n इक्वल्स टू कितना रहेगा, एक काम करते हैं लिख लेता हूँ मैं, जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, तो n इक्वल्स टू भी जीरो हो जाएगा और वो स्ट्रिंग बनेगी इप्सलॉन। जब m इक्वल्स टू क्या रहेगा, वन, तो ये हो जाएगा वन इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन इक्वल्स टू टू, तो बेटा n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन टू। अब स्ट्रिंग्स क्या बनेंगी, एक ए के पीछे ए बी या फिर ए डबल बी, क्यों ऐसा, क्योंकि एन की वैल्यू क्या हो सकती है, टू भी हो सकती है। मैंने बोल दिया एम इक्वल्स टू टू, एम इक्वल्स टू टू में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू इज लेस देन इक्वल्स टू एन इज लेस देन इक्वल्स टू टू इंटू टू फोर, तो बेटा ये एन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, टू थ्री फोर। तो स्ट्रिंग्स क्या बनेंगी, ए अगर ए की पावर एम, एम अगर टू है, यानी कि दो ए के पीछे क्या हो सकता है, दो बी, दो ए के पीछे तीन बी और दो ए के पीछे चार बी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। फिर से बेस केस यहाँ से, यहाँ पे कौन सी हो जाएंगी, ये वाली कि भाई एक के पीछे एक आना चाहिए या फिर एक के पीछे दो आने चाहिए, तो इसका ग्रामर हो जाएगा एस टेंस टू ए एस बी ऑब्लिक ए एस डबल बी ऑब्लिक इप्सलॉन। अब आप देखिए ये सभी स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी, इसमें से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ये क्वेश्चन दोनों भी सेम टाइप के थे, इसीलिए मैंने ये जल्दी से सॉल्व किया। अब आप एक काम कीजिए, वीडियो को जल्दी से पॉज करके ये तीनों क्वेश्चंस क्या कर लीजिए, ओ पी क्यू कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हाँ, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हुए, ये क्वेश्चंस इतने ही क्वेश्चंस लेने हैं इस टॉपिक के, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है।
कैसे पता सर? ए बी सी डी जेड भी ख़त्म होती है, जेड तक तो हमने पूरे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है, अगर और भी क्वेश्चंस रहते थे तो हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर लेते थे, कैपिटल ए बी सी डी शुरू कर देते थे। वही तो किसी ने पूछा था कि जेड के बाद क्या आता है, तो एक स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया था सर जेड के बाद आता है कैपिटल ए। कैसे पता? कि भाई वो देखिए, यानी स्टूडेंट्स की लेवल देखिए कितनी हाय है। ए बी सी डी जेड के बाद क्या आता है? कैपिटल ए। ठीक है, तो किसी ने उससे पूछ लिया कि भाई कैपिटल जेड के बाद क्या आ जाएगा। बेटा कैपिटल जेड, कैपिटल जेड के बाद तो उसने लैंग्वेज ही चेंज कर दी थी, रोमन नंबर दे दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए इधर जल्दी से क्या क्वेश्चन है। आर, ठीक है, बहुत ही सिंपल लग रहा है मुझे। एल इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन सच दैट एम इक्वल्स टू एन। अरे m इक्वल्स टू n, अब ये m इक्वल्स टू n का मतलब तो ये ऐसा ही हो गया, a की पावर n b की पावर n, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, n की कंडीशन नहीं दी हुई है, आप कंडीशन ले लीजिए। मैं सपोज जीरो ले लेता हूँ, जीरो की जगह पे आप वन भी ले सकते हो। ठीक है, मेंशन नहीं है, मेंशन होना चाहिए था। ठीक है, m और n वन से शुरू हो रहा है कि जीरो से शुरू हो रहा है, वो मेंशन होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, जितने a उतने b, बस बात खत्म। ठीक है, ये अब ये क्वेश्चन तो हम रिपीट ले रहे हैं, आपको आ जाएगा। एस एल इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन सच दैट एम इज लेस देन एन। हाँ देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, एम इज लेस देन एन, यानी कि सपोज दो ए आ रहे हैं तो कम से कम कितने बी आने चाहिए? तीन। चार भी चलते हैं, कितने चलते हैं? चार। पांच भी चलते हैं, अरे हाँ क्यों नहीं चलते हैं। क्या आने चाहिए? एम हमेशा कम होना चाहिए एन से, यानी बी कितने भी आ सकते हैं, यानी कि किसी दो बी के पीछे 100 बीज भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, हमेशा बी क्या होना चाहिए, ज़्यादा आने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए, मैंने ले लिया एस टेंस टू ए ए एस बी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे क्या हो जाएंगे, बी बढ़ते ही जाएंगे। जितने सामने ए आएंगे उतने पीछे बी आएंगे। देखिए किसी को ऐसा समझ में नहीं आता है तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे ले लेगा ए और यहाँ से ए से फिर से ले लेगा ए ए, या फिर एक काम कीजिए ना, यहाँ पे एन और एम वन से शुरू हो रहा है कि जीरो से शुरू हो रहा है, ये हमें गिवन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ए ऐसा कर देता हूँ, ए एस बी लिखा, तो जितने सामने ए उतने सामने पीछे बी आएंगे। ऐसा करते गए तो एट लास्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ये एस को रिप्लेस करना पड़ेगा कैसे, कैपिटल ए से। और ये कैपिटल ए ने क्या करना चाहिए बेटा, कैपिटल ए ने नंबर ऑफ बीस को बढ़ा देना चाहिए, नंबर ऑफ बीस को बढ़ा देना चाहिए। तो कैसे बढ़ाएंगे वो इस प्रकार से बढ़ा देंगे। देखिए इधर, अब आई बात समझ में। किसी ने बोला भाई मुझे दो ए के पीछे तीन भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर, ये दो ए के पीछे तीन भी चाहिए, तो बेटा दो ए दो बी तो है ही ना, ए एस बी ए ए दिस। अब उसको क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा बी चाहिए, तो ये एस को क्या कर देगा, ए ए को क्या कर देगा, बी, तो बात बन जाएगी। ठीक है, किसी को दो ए के पीछे पांच बी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताइए, पहले ये दो ए निकाल सकते हो, फिर ये तीन बी उसको कहाँ से लेने पड़ेंगे, ये प्रोडक्शन से लेने पड़ेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का मीनिंग आपको अच्छे से समझना है, क्वेश्चन का मीनिंग समझा हुआ है तो ग्रामर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेने के बाद अब आपकी थोड़ी थोड़ी आइडिया डेवलप हो गई होंगी। ठीक है, चलिए देखिए इधर, टी क्या है, एल इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन सच दैट एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे बताइए, ये m है ये n है, दोनों भी तो अलग अलग वेरिएबल हैं, यानी कितने भी a आने चाहिए कितने भी b आने चाहिए। मैं ले लेता हूँ s टेंस टू a b, अरे a कितने आने चाहिए भाई, जितने चाहो उतने ले लो, नहीं लेने हैं मत लो। ठीक है, b कितने आने चाहिए, अरे जितने चाहे उतने ले लो, नहीं लेना है मत लो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये क्या हो गया हमारा, बहुत ही सिंपल था, ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन, एन और एम में कोई रिलेशन नहीं था, यानी कितने भी ए फॉलोड बाय कितने भी बी, तो बेटा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाई बात समझ में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था, टी ले लीजिए, यू नाम का क्वेश्चन क्या है, एल इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, ठीक है, सी रेज टू पावर एम सच दैट एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे एक बात बताइए कि ये ए की पावर एन बी की पावर एम, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम, जितने सामने ए है उतने ही पीछे बी होने चाहिए। देखिए दोनों की पावर क्या है, एन है,
और वो जीरो से शुरू हो रहा है, सी रेस्ट टू पावर एम, यानी कि ये अलग हो गया। अरे भाई ये अलग हो गया तो एस टेंस टू आप ऐसा ले लीजिए ए बी, ए में से आप ये लॉजिक इंप्लीमेंट कर दीजिए, ए टेंस टू क्या ले लीजिए आप ए ए बी। अच्छा एन की वैल्यू क्या है, मिनिमम जीरो ले लीजिए बेटा एप्सिलॉन भाई, अगर वो हमें नहीं लेना है तो। और सी की पावर एम, सी की पावर एम यानी सी कितने आने चाहिए, अगर m की वैल्यू 10 है तो 10, यानी कि इस पे तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप ये c इसमें से बना लीजिए। कैसे बनाओगे, सी बी ऑब्लिक एप्सिलॉन, किसी को एप्सिलॉन लेना है तो s टेंस टू ए बी, ए की जगह एप्सिलॉन, बी की जगह एप्सिलॉन, देखिए बात खत्म। यानी कि यहाँ से क्या आ रहा है, ये दोनों सेम थे, यहाँ से हो जाएंगे, सी कितने भी चलते हैं ये सी कितने भी चलते हैं। आई बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जल्दी से वीडियो को क्या कर लीजिए, फिर से पॉज कर दीजिए और ये क्वेश्चन चारों भी कॉपी कर लीजिए, ठीक है। देखिए मैं ग्रामर लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ सेट ऑफ प्रोडक्शंस लिख के छोड़ दे रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा क्या जी इक्वल टू वी टी पी एस जो मैंने आपको बताया था, वो आपको लिखना पड़ेगा। आइए जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं ये टॉपिक को, सो दैट इसके बाद हम देखेंगे डेरिवेशन, डेरिवेशन ट्री, ठीक है। यू कौन सा हो गया था, ये हो गया था, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं क्या है, वी L इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है। ए बी सी क्या है, एम एन एन, अच्छा एम एन एन, यानी अब यहाँ पे ये दोनों सेम है और ए कितने भी चलते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है, एक मिनट रुक जाइए, कंडीशन है एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। हट बे, सेम क्वेश्चन है, देखिए इधर जल्दी से लिख देता हूँ मैं ए बी, ए में से लॉजिक क्या चाहिए, कितने भी ए लेते आने चाहिए, ले लिए ले लीजिए ए टेंस टू ए ए ऑब्लिक इप्सलॉन। अबे बी में से क्या लेते आना चाहिए, बी सी, तो ये बी बी सी स्लैश इप्सलॉन, बात खत्म, ठीक है। ये समझ लीजिएगा वो कैसे आया, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन चेंज रहा तो मजा आती है। एल इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एम, बी रेस टू पावर, बी रेस टू पावर क्या है एन, अच्छा सी रेस टू पावर पी, कोई रिलेशन, हाँ एन इक्वल्स टू एम प्लस पी। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इधर कैसे है ये क्वेश्चन, मुझे बताइए ये ए कितने आने चाहिए एम, बी कितने आने चाहिए एन, तो सी कितने आने चाहिए पी, यानी कि ये ऐसा हुआ। अच्छा रिलेशन क्या है, एम प्लस पी इज इक्वल्स टू एन, यानी कि बोलने का मतलब ऐसा हुआ कि अगर m की वैल्यू 2 है और p की वैल्यू कितनी है 3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 5। यानी कि अगर दो a आ रहे हैं इधर और इधर क्या आ रहे हैं p, p यानी c कितने आ रहे हैं 3, तो जितने a हैं उतने और जितने a और जितने c हैं उतने ही क्या होने चाहिए, b भी होने चाहिए। यानी कि ये जो है बीच वाला, जितने a है जितने c है उन दोनों का टोटल कर लीजिए और उतने बीच में क्या आने चाहिए, बी आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है, पर ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है तो मुझे बताइए ये a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p, ये ऐसा क्वेश्चन है, वो कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन मैं क्या कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे बताइए ये a की पावर m, b की पावर n, n का मतलब दिया कितना है m प्लस पी, ठीक है, और ये c की पावर p, ठीक है। मैं लॉस ऑफ इंडाइसेस लगा देता हूँ, तो बेटा ये क्या हुआ b की पावर m और ये हुआ b की पावर p और ये हुआ c की पावर p। अरे बात समझ में आ रही है क्या, अब मुझे बताइए जितने a उतने b, अच्छा जितने b उतने c, ऐसा हुआ ना इसका मतलब, तो क्या ये ऐसा नहीं हुआ s टेंस टू ए बी, ठीक है। अच्छा a में से मुझे क्या चाहिए, इसका लॉजिक चाहिए, भाई जितने a ले रहे हो आप उतने क्या ले लीजिए b ले लीजिए, ठीक है। और b में से किसका लॉजिक चाहिए, जितने b ले रहे हो उतने क्या ले लीजिए c ले लीजिए। अब यहाँ पे अब आपको क्या लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बेस केस ऐसी ट्रीट करता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, जब m और p जीरो रहेगा तब n भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एप्सिलॉन ले लिया। अब देखिए इधर, अब अगर मैंने आपको बोला भाई मुझे ये स्ट्रिंग डिराइव करनी है, यानी सामने दो a आने चाहिए, तो बेटा आप क्या कर दोगे, s टेंस टू a b इस प्रकार से, नहीं एक मिनट रुक जाइए, शायद से एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, ए बी, ठीक है। ए में से मुझे क्या लेना है भाई, दो ए लेना है, चलिए दो ए लेना है, तो क्या हो जाएगा ये ए ए बी, ए ए बी, और ये हो जाएगा ए ए इप्सलॉन, तो ये हो जाएगा बी बी, और यहाँ पे ये कैपिटल बी तो हमारा क्या था, ऑलरेडी था ही,
ठीक है। अब बी में से मुझे क्या लेना है, बी में से मुझे अब लेना पड़ेगा, देखिए ये कितनी स्ट्रिंग आ गई, दो ए दो बी आ गई, अब तीन बी तीन सी लेने हैं, तो बेटा ये प्रोडक्शन कितनी बार लेना पड़ेगा, तीन बार लेना पड़ेगा। यस इट इज, हमारा जो ये ग्रामर है वो क्या है, करेक्ट है। कैसे पता, हमने वेरीफाई भी करके देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से फिर से आप क्या कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके ये 1 2 2 दो ही क्वेश्चन लिए हुए, दोनों कॉपी कर लीजिए, तो हम एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, करके देखिए। ऐसा कोई भी एक स्ट्रिंग आप उसमें से डिराइव करके देखिए कि वो बराबर डिराइव हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ नेक्स्ट, एक्स क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज है ए रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एम, बी रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन, दिस स्लैश करके लिखा हुआ है, आइदर एम इक्वल्स टू एन और एन इक्वल्स टू पी। अच्छा, यानी कि इसमें से दो केसेस बनेंगी, ठीक है। कौन कौन सी दो केसेस बनेंगी, या तो m इक्वल्स टू n होना चाहिए, अगर m इक्वल्स टू n है तो मुझे बताइए ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a रेस टू पावर m, b रेस टू पावर m और c रेस टू पावर p, ऐसा हो जाएगा अगर मैंने पहली केस इंप्लीमेंट की। दूसरी केस इंप्लीमेंट की अगर n इक्वल्स टू p, तो बेटा अगर n इक्वल्स टू p वाली केस इंप्लीमेंट की तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये a रेस टू पावर m, b रेस टू पावर n और c रेस टू पावर क्या हो जाएगा n। अब मैं समझता हूँ कि आप ऐसा ले लीजिए, एस टेंस टू आप क्या ले लीजिए, एस टेंस टू आप ले लीजिए ए या फिर बी, और ए में से आप किसका लॉजिक लिख लीजिए, इसका लॉजिक लिख लीजिए। अब ए में से अगर आपको इसका लॉजिक लिखना है तो बेटा ये दो सेम है, ये दोनों ये क्या है, अलग है, तो ये आप ए में से लिख लीजिए सी डी, ठीक है। अब ये सी डी, सी में से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ए सी बी स्लैश इप्सिलॉन, डी में से क्या होना चाहिए, डी में से होना चाहिए एनी नंबर ऑफ सीस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, बी में से क्या आना चाहिए, बी में से बेटा ये आना चाहिए और है, और का मतलब होता है यूनियन ही होता है और, ठीक है। बी में से क्या आना चाहिए, देखिए ये अलग है ये सेम है, तो बेटा बी बी ये वाला बी, बी में से क्या आना चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ बी टेंस टू, ये पूरा कार्यक्रम आना चाहिए, तो ये हो जाएगा ई एफ, या फिर देखिए इन दोनों का आप अलग अलग लिखिए, फिर ऐसा लिखिए मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आप ऐसा समझिए कि भाई ये एक ग्रामर हो गया हमारा, ठीक है, और एक ये अलग हो गया और दोनों के लिए था, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। बताता हूँ मैं आपको लास्ट में ई एफ, इसमें से इम्प्लीमेंट करना है तो ई में से क्या होना चाहिए, एनी नंबर ऑफ एज, एनी नंबर ऑफ एज, तो हो जाएगा ए ई इप्सिलॉन, और एफ में से क्या इम्प्लीमेंट करना है, एफ में से इम्प्लीमेंट करना है जितने सामने बी उतने ही पीछे सी इप्सिलॉन, यानी देखिए ये दो ग्रामर हो गए और दोनों के बीच में और था, तो क्या कर दिया मैंने, एस टेंस टू, या तो इसका स्टार्ट सिंबल या तो इसका स्टार्ट सिंबल, अब ये हमारा ग्रामर हो गया कंप्लीट। देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा समझिए प्रीवियस दो क्वेश्चंस कंबाइन हो गए एक में ही आ गए, सिर्फ इतना सा फर्क है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रेज टू पावर ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एम, सच दैट एन is less than equals to m plus 3 and m comma n greater than equals to 0। चलिए कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। मुझे बताइए, सपोज m इक्वल टू ले लिया किसी ने 0, यानी मैंने m इक्वल टू क्या ले लिया 0, तो बेटा ये कंडीशन ऐसी नहीं बनी, n is less than equals to 3। अब n is less than equals to 3 यानी n क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। m इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू कितना, m इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू कितना भाई, 4 से कम, यानी कि 0 1 2 3 4। अच्छा इसकी स्ट्रिंग्स लिखनी है मुझे, तो इसकी स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी भाई, m 0 है तो n क्या होना चाहिए, 0 1 2 3, m 0 यानी क्या, b 0 है तो क्या होना चाहिए, n 0 n 1 2 3, देखिए ये हो गई हमारी बेस केस, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा अगर एक ये है क्या बोलते हैं, एक हमारा क्या है बी है, एन इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू 1, एक बी है तो उसके लिए क्या चलता है, एक बी आता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 0 ए 1 ए 2 ए
अरे आ रही है क्या बात समझ में? नेक्स्ट तीन और इधर चार भी आ रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, चार ए बी। अरे आ रही है क्या बात समझ में? तो यहाँ पे जो बेस केस है वो क्या मानी जाएंगी, एम इक्वल्स टू जीरो वाली। क्यों ऐसा यहाँ पे बेस केस? क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन के अलावा और भी क्या है, बहुत सारी स्ट्रिंग्स है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इसके लिए मैं लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई एस टेंस टू क्या आना चाहिए, इप्सलॉन, इप्सलॉन तो बाद में देख लेंगे। एक ए ठीक है भाई, ए ए, और दो ए ठीक है, या फिर तीन ए, या फिर जीरो ए। तो एक काम कर लीजिए, ऐसा लिख लीजिए एस टेंस टू ए, यानी एस की जगह पे क्या आना चाहिए, ए ए ए, दो स्मॉल ए के बाद एक ए, तीन ए के बाद दिस, ये मिटा दीजिए। और ये ए में से क्या कर देंगे हम, ए में से बेटा हम ले लेंगे रिपीटेशन, जितने ए ले रहे हैं उतने ही क्या ले लेंगे हम, बी ले लेंगे, जितने ए ले रहे हैं उतने ही हम क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। और आखिरी में एट लास्ट हमारा एम एन की वैल्यू क्या है, जीरो, तो इसको ले लेंगे हम इप्सिलॉन। देखिए एस टेंस टू ए, ए टेंस टू इप्सिलॉन, हाँ देखिए अब ये कैसा हुआ। मुझे एक बात बताइए कि हो क्या रहा है, बी से कितने ए ज़्यादा आ रहे हैं, तीन तो भी कम से कम ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कल चल के क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई ये बी की पावर इधर 10 है तो बेटा इधर ए की पावर क्या होनी चाहिए, ए क्या हो सकते हैं, जितने भी है उससे तीन ज़्यादा तक के भी आ सकते हैं, यानी ये ए की पावर 13 भी हमारा क्या हो जाएगा, चल जाएगा। कैसे पता, मुझे बताइए, एम की वैल्यू 10 है तो ये 10 + 3 = 13, तो एन क्या हो सकता है, 13 हो सकता है या फिर 13 से कम हो सकता है, तो एट मैक्स क्या हो सकता है, 13। तो मुझे अगर ये लेना है तो मैं पहले शुरुआत कर दूंगा यहाँ से, मैं ले लूँगा एस टेंस टू ट्रिपल ए ए। अब मुझे बताइए, तीन ए तो मैंने ले लिए, अभी तीन ए अगर मैंने ले लिए तो बेटा अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए 10A 10B, तो बेटा 10A 10B, तो ये ए का लॉजिक क्या कर लेगा, इम्प्लीमेंट कर लेगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर हमने कैसे लिया, बहुत ही सिंपल वे से लिया। हाँ, और एक बात मैंने यहाँ पे कंसेप्ट सिखा दिया आपको कि यहाँ पे बेस केस मैंने एम इक्वल टू जीरो वाली ली थी, पर थोड़ी देर पहले मैंने जब दो प्रॉब्लम लिए थे अभी इसी क्लास में, तब मैंने बेस केस एम इक्वल टू वन वाली ली थी। क्यों ऐसा, तब वहाँ पे जो इनिशियल केस थी उसमें सिर्फ और सिर्फ इप्सिलॉन आ रहा था, पर यहाँ पे इनिशियल केस में क्या आ रहा है, यहाँ पे इनिशियल केस में इप्सिलॉन के अलावा ये तीन भी स्ट्रिंग्स आ रही है, इसीलिए मैंने क्या किया, ये पहले वाले को सिर्फ इम्प्लीमेंट किया, बाकी सब तो क्या हो गए, अपने आप इम्प्लीमेंट हो गए। यानी ए बी, बी से क्या आने चाहिए, ए ज़्यादा आने चाहिए, कितने ज़्यादा आने चाहिए, यहाँ तो इक्वल आने चाहिए, यहाँ तो एक ज़्यादा आना चाहिए, यहाँ तो दो ज़्यादा आना चाहिए, यहाँ तो तीन ज़्यादा आने चाहिए। मैंने तीनों की, चारों भी केस क्या कर दिए, सेम लिख लिए। ये ए इसलिए लिखा क्योंकि इक्वल नंबर आने चाहिए, एक ए ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से शुरू कीजिए, दो ए ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से शुरू कीजिए, तीन ए ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से शुरू कीजिए, अदरवाइज इक्वल टू वाली केस तो आपको मालूम ही है ये कैसे लिखी गई। ठीक है, जल्दी से फिर से वीडियो को पॉज कर दीजिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन है जेड वाला, वो हम सॉल्व कर देते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा आज का जो क्लास है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा इसी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर जेड। ठीक है, आई नो आप लोगों ने तो 26 दिया होगा उसको नंबर, a रेस्ट टू पावर के बी सी एम एन, ठीक है एम एन, ठीक है नेक्स्ट k + m = n, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं ये a की पावर k, b की पावर m, c की पावर n, पर हमें कंडीशन दी हुई है कि n की कंडीशन दी हुई है c की पावर k प्लस m। चलिए कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा a की पावर k, b की पावर m, c की पावर k और ये c की पावर m। यानी कि हुआ क्या, लॉज ऑफ इंडाइसेस है, हो क्या रहा है यहाँ पे कि जितने a आने चाहिए उतने क्या आने चाहिए c, और ये जितने b आने चाहिए उतने ही हमारे क्या आने चाहिए ये सी आना चाहिए। यानी कि पहला और तीसरा ये इनका काउंट सेम होना चाहिए, सेकंड और फोर्थ इनका काउंट सेम होना चाहिए। तो बेटा देखिए ऐसा नहीं है, पहले वाले के और लास्ट वाले का काउंट सेम होना चाहिए और जो दो मिडल वाले हैं इनका काउंट सेम होना चाहिए। इस प्रकार के ही ग्रामर हम क्या कर सकते हैं, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में लिख सकते हैं। पहले अल्फाबेट और तीसरा सेम होना चाहिए, सेकंड और फोर्थ सेम होना चाहिए, ये हम कंटेक्स्ट फ्री से नहीं ले सकते, इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आएगा वो तीसरा क्या रहेगा, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर रहेगा। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं है, पर मुझे एक बात बताइए कि हो क्या रहा है, जितने ए उतने सी, अच्छा जितने बी उतने सी, यानी ये ऐसा हो गया कि कल चल के सपोज ये के और एम की वैल्यू 2-3 है, 2-3 तो बेटा ये हो जाएंगे 2A और ये क्या हो जाएंगे 3B, तो बेटा सी कितने आने चाहिए, के भी आने चाहिए, एम भी आने चाहिए, सी कितने आने चाहिए 5, तो इसको क्या मैं इस प्रकार से लॉजिक नहीं लगा सकता हूँ कि भाई ये ए की पावर के, बी की पावर एम, और ये सी की पावर एम मैं पहले लिख देता हूँ, सी की पावर के मैं बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये पहला और आखिरी क्या हो जाएगा, सेम, और बीच के दो क्या हो जाएंगे, सेम, यानी कि जितने सामने ए, एस टेंस टू ए एस सी, और ये एस टेंस टू मैं ले लेता हूँ कैपिटल ए, और ये कैपिटल ए में से हम क्या कर देते हैं, ये बीच वाली थिंग्स इंप्लीमेंट कर देते हैं, बी कैपिटल ए सी ऑब्लिक इप्सलॉन। देखिए अब मैंने इसका ग्रामर भी लिख लिया, यानी कि मुझे आपको यही समझाना था कि ये जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है इसमें हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट क्या आने चाहिए, सेम होने चाहिए, और सेकंड और थर्ड क्या आने चाहिए, सेम होने चाहिए, इस प्रकार के ग्रामर्स को ही हम लिख सकते हैं। क्यों ऐसा, तो इसका रीज़न मैं जब बताऊंगा आपको जब हम देखेंगे पीडीए, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा अभी तो आपको वो समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसी सब टॉपिक, इसी यूनिट का जब हम क्या देखेंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा, जैसे कि ये हमारा क्या है, इंप्लीमेंटेशन मॉडल है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का, ठीक है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का इंप्लीमेंटेशन मॉडल क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा। आप इतना समझ लीजिए कि हमारा जो ये जो सब्जेक्ट है टॉक, इसमें हमें चार टाइप के ग्रामर पढ़ने हैं, उनकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज और उनकी रिस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन मॉडल सीखने हैं। जैसे कि हमने रेगुलर ग्रामर का रेगुलर लैंग्वेज और उसका इंप्लीमेंटेशन मॉडल एफ ए सीखा, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देखी, और उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन मॉडल पी डी ए पुश डाउन ऑटोमेटा हम देखने वाले हैं अभी एक दो क्लासेस के बाद। उसके बाद सिमिलरली तीसरा ग्रामर है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, उसकी लैंग्वेज और उसका इंप्लीमेंटेशन मॉडल लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। सिमिलरली चौथा ग्रामर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, उसकी लैंग्वेज रहेगी और उसका इंप्लीमेंटेशन मॉडल रहेगा ट्यूरिंग मशीन। यानी चार टाइप के ग्रामर्स है, उन्हीं की रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस है, उनके चारों भी क्या है, रिस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है कि वो मशीन में कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। उनके नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। कोई बात नहीं, जल्दी से इतना क्या कर लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास।